करते काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। रख विश्वास तू है शिव का दास। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम सभी के बीच में फिल्म OMG 2 के ट्रेलर से जुड़ी हुई आ चुकी है अभी तक की सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छी वाली अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस शानदार मूवी को सेंसर बोर्ड के थ्रू काफी अच्छी तरीके से पास कर दिया गया है। फिल्म के भले ही थोड़े बहुत सीन्स को काटे गए हों, लेकिन उसके बावजूद इस शानदार मूवी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस शानदार मूवी को हम सभी के बीच में 11 अगस्त के दिन भारतीय सिनेमाघर में उतारा जाएगा, लेकिन उसके पहले इस शानदार मूवी का काफी तगड़ा वाला ट्रेलर हम सभी को देखने को मिलने वाला है 28 जुलाई के दिन, जो कि दोपहर के 12 बजे लॉन्च होकर के बहुत ही तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम सेट करने वाला है। फिल्म की अगर बात की जाए तो इसमें आप सभी को अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी एक मेन लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस फिल्म में अपनी एक्टिंग की बदौलत न केवल इस फिल्म को सुपरहिट साबित करेंगे जबकि एक अलग ही कॉन्टेंट निकलकर सामने आया है। जिस शानदार मूवी में आप सभी को भोलेनाथ का किरदार निभाते नजर आए हैं, वन एंड ओनली अक्षय कुमार सर, तो इस समय यह फिल्म सुपरहिट के साथ साथ ब्लॉकबस्टर ना जाए ऐसा हो भी नहीं सकता है और ऐसा मुमकिन भी नहीं। हम कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में इस मूवी को काफी अच्छी तरीके से जब उतारा जाएगा तो ये काफी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। अब देखना एक बात यह है कि इसकी प्रमोशनल स्ट्रेटेजी क्या कुछ होती है, लेकिन फिलहाल इसकी सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर की ही अपडेट थी। हालांकि अगर बात की जाए तो पहले दिन के अगर बज और हाइप की तो यह शानदार मूवी अपने पहले दिन का कलेक्शन कर सकती है करीबन 20 से लेकर के 25 करोड़ का, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात भी होने वाली, क्योंकि यह सीधे टक्कर लेने उतर चुकी है फिल्म गदर 2 और जेलर के सामने। तो ऐसे में हो सकता है इस फिल्म को थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए और ऐसे में यह भी हो सकता है कि इसके सामने वाली फिल्मों को यह नुकसान पहुंचा जाए। हालांकि वो तो बात की बात है, वो तो 11 अगस्त के दिन ही पता चलेगा। आप सभी लोग इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है प्लीज कमेंट करके आज जोड़ दें और ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।